देशवा कोरोना 45,667 नवा केस सामे आवे जारी के 807 लोगों ना मौत थया। देशवा कोरोना नो रिकवरी रेट 97.18% पर पहुंचो। 44,000 थी वधु लोगों कोरोना ने मात आपी। देशवा अत्यार सुधी मा 2,98,36,000 थी वधारे लोगों साजा थया। सतत 55 मा दिवस थी रिकवरी रेट मा वधारो। महत्वनु छे के देश मा हाल कोरोना ना 4,54,865 दर्दीओ सारवार हेठळ सतत 16 मा दिवसे दैनिक संक्रमण दर 2.29%। देशभर राष्ट्रव्यापी कोविड रसीकरण हेठळ अत्यार सुधी 36,13,00,000 वधारे लोगोनुं रसीकरण करवामां आव्युं। छेल्ला 24 कलाक दरमियान 36,00,000 वधारे लोगोने रसीना डोज आपवामां आव्या। केन्द्र सरकारे राज्यो अने केन्द्र शासित प्रदेशो अत्यार सुधी कोरोना रसीना 37,43,00,000 डोज उपलब्ध कराव्या। स्वास्थ्य मंत्रालय कह्युं छे के राज्यो अने केन्द्र शासित प्रदेशो पासे रसीना हजु पण 1,67,00,000 डोज उपलब्ध छे। आंध्रप्रदेश सरकारे शाळा अने विद्यार्थीओने लईने मोटो निर्णय कर्यो। आंध्रप्रदेश सरकारे राज्यमां 16 ऑगस्टथी शाळाओ फरी खोलवानो निर्णय कर्यो छे। कोरोना संक्रमणनी बीजी लहेर अंत पाममा वच्चे आंध्रप्रदेश सरकारे विद्यार्थीओ माटे राहतना समाचार आप्या। आ साथे ऑनलाइन शिक्षण 12 જુલાઈએ શરૂ કરવામાં આવશે। हिमाचल प्रदेश पूर्व मुख्य प्रधान वीरभद्र सिंह 87 वर्ष वय निधन थयुं। लांबी बीमारी बाद शिमला आईजीएमसी होस्पिटल में अंतिम श्वास लीधा। छेल्ला 2 महीना होस्पिटल में सारवार चाली रही थी। महत्वनु छे कि वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश मुख्य प्रधान बन्या हता। जम्मू कश्मीर में सेना की मोटी सफलता मिली। सेना अथड़ामण में 4 आतंकी ने ठार मार्या। पुलवामा और कुलगाम में अथड़ामण दरमियान 2 आतंकी ने ठार कराया, जे बाद आसपास विस्तार में सर्च ऑपरेशन चालू। दिल्ली में ऑक्सीजनों बफर स्टॉक बराबरा केस में हाईकोर्टे केन्द्र पास जवाब मांग्यो। दिल्ली हाईकोर्टे कोविड-19 महामारी ने पहुंची वड़वा दिल्ली में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजनों बफर स्टॉक बनावाना मामले केन्द्र सरकार पास जवाब मांग्यो। दिल्ली सरकारे जणाव्यु छे कि तेमनी पासे 419 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन छे। नंदीग्राम केस में जस्टिस कौशिक चंदा ने पोतानी जाते अलग कर्या। सीएम ममता बेनर्जी पर 5,00,000 रूपया दंड फटकार्यो। महत्वनु छे कि विधानसभा चूंटणी में नंदीग्राम थी शुभेंदु अधिकारी सामे हार मामले धांधली आक्षेप लगावी ममता बेनर्जीए पक्ष अरजी दाखिल करी थी, परंतु त्यारबाद जस्टिस चंदा साथे भाजपना संपर्कनो आरोप लगावी तेने आ केसमांथी हटावानी मांग करी हती। जमीन खरीद मामला में एकनाथ खड़सेनी मुसीबत वधी छे। ईडीए एकनाथ खड़सेनी गुरुवारे सवारे 11 हाजर थवा कह्युं छे। पुणे लैंड डील केस में ईडीए एनसीपी नेता एकनाथ खड़सेना जमाई गिरीश चौधरी की धरपकड़ करी छे। विशेष एमपीएलए कोर्टे आज 12 जुलाई सुधी ईडी की कस्टडी में गिरीश चौधरी ने मोकली आप्यो छे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट परिसीमन माटे बनावामां आवेलू 3 सभ्यों आयोग 4 दिवस की मुलाकाते पहुंची गयु। मंगलवार शुरू थे आ प्रवास में आयोग मेंम्बर राजकीय पक्षों अधिकारी मळशे। ए पछी केन्द्र शासित प्रदेश बनावामां आवेला जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट ने नवो रूप आपवामां आवशे। महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व जस्टिस सीईसी और प्रदेश इलेक्शन कमिश्नर विधानसभा सीट में फेरफार की रूपरेखा तैयार करशे।